कांग्रेस जिला प्रतिनिधि उत्तर मुंबई मेहुल गोसालिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर मुंबई के बोरीवली वेस्ट स्थित सिंपोली चौक पर न्यूज़पेपर वाचनालय का उद्घाटन फीता काट कर किया, जहां कांग्रेस और विवान ग्रुप के लोग भी उपस्थित रहे और मेहुल गोसालिया को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरा बर्थडे ऐसे हो हिसाब से नहीं कर रहा है हम लोग वाचनालय की। हमने कितने दिनों से सोच रहे थे, मगर ये कोरोना की महामारी जो चल रही है उसकी वजह से हमारा प्लान पोस्टपोन होता जा रहा था, मगर एक बार सोचा चलो एक बार अपन ओपनिंग करके रख दे, ओपनिंग करते तो आम जनता को भी पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और जो सीनियर सिटीजन यहाँ आके चौक है सिंपोली के चौक में बहुत सीनियर सिटीजन आके बैठते हैं, वो लोग को भी कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिलेंगे। और मैंने सोचा तो अभी मैं भूषण भाई को भी बात किया और भूषण भाई ने बोला हने मेहुल अपन एक बार ओपनिंग कर लेते बाद में देख बड़े पहने पे इसका वाचनालय बनाएंगे करके। और जहाँ तक बर्थडे की बात है, मेरे सब फ्रेंड्स विवान मित्र मंडल के मेरे सब कांग्रेस के भूषण भाई मनोज भाई वो सब ने मेरे को सरप्राइज ये केक कटिंग वगैरह का ऑर्गेनाइज वो लोग ने किया था, इसलिए मैं वो लोग को सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरे खास विवान मित्र मंडल के फ्रेंड्स, मेरे फैमिली भूषण भाई, जीतू भाई, गोविंद, चिराग, अजय, विनोद, सबको मैं पहले तो धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लोग ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन आज सरप्राइज सेलिब्रेशन किया वो हिसाब से। थैंक यू। वाचनालय ये इससे अच्छा आपको मुझे एक भी प्लेस नहीं दिखा, क्योंकि पूरे एरिया में कहाँ भी वाचनालय नहीं था सिंपोली के एरिया में, तो हम लोग ने सोचा कि चार रास्ता भी है तो वाचनालय अच्छा रहेगा वो हिसाब से। अभी कोरोना काल चल रहा है तो यहाँ पर किस तरह से आप गाइडलाइंस लगाएंगे कि अगर लोग पेपर पढ़ने आते हैं तो उन्हें किस तरह से डिस्टेंस का ध्यान रखना है, पेपर्स ले रहे हैं तो सैनिटाइज करना है, इन सब चीज़ों का कितना ध्यान यहाँ पे रखना है? हम लोग ने एक हमारे एक आदमी यहाँ बाजू में बैठते ही है, हम लोग ने उसको बोला हुआ है कि आप पेपर लेके सैनिटाइज करके और जो भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उसको पहले हैंड सैनिटाइज करवाओ और जाने के बाद भी पेपर वगैरह सब सैनिटाइज करने के हम लोग ने बंदोबस्त करके ही रखा हुआ है। आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे मेहुल जी को? मैं हमारे जिला प्रतिनिधि है कांग्रेस के और हम मेहुल जब से कोरोना की शुरू हुई है मार्च से तब से रेगुलर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करता जा रहा है और हम सब पार्टी वाले और सब कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए सोच रहे हैं और इसमें इस कोरोना में मेहुल ने जो ये वाचनालय का उद्घाटन किया है उसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। जन्मदिन है तो आप जन्मदिन पर क्या कुछ खास आपका प्रोग्राम, अभी तो कोरोना काल है अदरवाइज आपका क्या प्रोग्राम होता है, जन्मदिन को किस तरह से? मैं जन्मदिन ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करता हूँ, मगर मेरे सब फ्रेंड्स और मेरे जो फैमिली है वो लोग केक कटिंग वगैरह हर साल करते हैं। आज ही मैंने ना बोला था मगर वो लोग ने सब ने मंदिर जाना, समाज सेवा करना है, समाज सेवा तो मेरा पूरा साल चलता रहता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल बर्थडे पे करो करके। लास्ट 6 महीने से कोरोना है, उससे पहले से ही मेरे समाज सेवा चालू रहते हैं। मैं एक ही सेवा में मानता हूँ, जो गरीब लोग को हम खाना खिलाते हैं मेरे लिए वही सबसे परम सेवा, वही है समाज सेवा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।